असलम वेलकम टू सी एस एस पी एम एस टाइम्स ऑनलाइन कोचिंग आज हमारा टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का थर्ड टॉपिक सेकेंड टॉपिक है तो वो सेकेंड uh, टॉपिक है करंट अफेयर्स का जिसमें हम स्टार्ट uh, करते हैं द यू एन क्लाइमेट समिट कोव ट्वेंटी सेवन एन शो शेख जब डिस पाकिस्तान समर फ्लड एग्जर्बेटेड बाई क्लाइमेट चेंज एंड कंट्रीज़ फेसिंग इमिनंट थ्रेट ऑफ एपिडमिक एंड अदर मल्टीविटामशल डेंजर्स डिसकस दिस्कस द कोविड ट्वेंटी रोड मेड टू फेस द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड प्रोपोज मईर्स फॉर दि ग्री कंसनट्रेशन रिहेबी ऑफ पाकिस्तान तो फर्स्ट इस टॉपिक में हम कुछ की वर्ड्स ढूँढ लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि हम क्वेश्चन को कैसे रिजॉल्व करेंगे तो इसमें जो फर्स्टली है क्लाइमेट चेंज को ख़त्म करने के लिए जो क्वेश्चन हमारा हमें बता रहा है क्लाइमेट चेंज को ख़त्म करने के लिए कोप ट्वेंटी सेवन किया गया और जिसमें शेख इजिप्ट में इनका जो भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेटेड थी उन्होंने डिस्कस किया पक, जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर्स हुए थे जिसमें समर कैटास्ट्रोफिक समय फ्लड्स हुए थे जिसमें पा, पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान हुआ था फ्लड आया था और इसके बाद आ, मल्टी डायमेंशनल डेंजर्स जो पाकिस्तान को फेस करनी पड़े थे तो उसके हवाले से डिस्कस करना है कोप ट्वेंटी सेवन रोड मैप टू तो फेस द चैलेंजेस ऑफ टू फेस द चैलेंजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड प्रोपोज मईर्स ऑफ रिकन्सट्रेशन रिहेबलीफ़ पाकिस्तान रिकन्सट्रेशन रिहेबलीशन जो पाकिस्तान की uh, कैसे हो सकती है कैसे इसके हम डिज़ास्टर्स कवर कर सकते हैं uh, तो वो इसमें डिस्कशन हुई थी इसके बाद हम आते हैं अपने सोल्यूशन पर द यूनाइट नेशनस यूएन जो है जो आ, हमेशा क्लाइमेट चेंज और वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको रिजॉल्व करने में काम करता है उसमें क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इशू है तो इसका जो ट्वेंटी सेवन है वो शेख में इजिप्ट में किया गया था जिसपे क्लाइमेट चेंज की जो भी डिज़ास्टर्स थे या जिन जिन कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है उसमें जो भी डिजास्ट जो भी डिज़ास्टर्स दिजा, फेस किए उनके बारे में डिस्कशन हुई थी कि समर में उनका जो फ़्लड था फ्लड वो कितना था कैसा था उसमें क्या क्या डिज़ास्टर्स हुए डेंजर्स हुए या उसकी पब्लिक या पीपल्स को क्या क्या नुकसान हुए पूरा थ्रेड उसमें डिस्कस हुआ और जो मईर्स उसमें कंट्रीज़ को जो भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं रिकन्सट्रक्शन रिकंस्ट्र, और रिहेबलीशन की कैसे हो सकती है सबसे पहला मयर जो उन्होंने प्रपोज़ किया वो था क्रिएशन ऑफ ए क्लाइमेट फंड क्लाइमेट फंड क्लाइमेट चेंज चेंज की वजह से जो भी नुकसान हुए हैं क्लाइमेट फंड के ज़रिए uh, uh, जो भी दूसरी कंट्रीज़ हैं डेवलप कंट्रीज़ वो uh, पाकिस्तान uh, जैसी कंट्रीज़ को या उनके उनके जो भी पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुए हैं उनकी एग्रीकल्चर वो डेवलप करने में और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर डेवलप करने में उनकी हेल्प करता है दूसरा जो प्रोपज या प्रोपोज मैयर जो दूसरा उन्होंने प्रो, मैयर प्रोपोज़ किया वो था प्रोमोशन ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी सोस सोर्से, एनर्जी सोर्सेज जैसे विंड और सोलर एनर्जी है बनस्बत फॉसल फ्यूल्स के फसल फ्यूल को रिड्यूस करने के लिए रिड्यूस करना है उन्होंने और इनकी एडिशन में रिड्यूस करके टेक्निकल और फाइनेंशियली उसको सेट करना है ताकि क्लाइमेट चेंज कम से कम तर हो सके इन एडिशन द कोप समट ऑल्सोज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड द नीड ऑफ नीड फॉर कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर कैपेसिटीज रिस्पॉन्ड टू कल्चर नेचुरल डिजास्टर्स तो जो भी डिज़ास्टर्स हुए थे उस उनके रिस्क को रिडक्ट करने के लिए उनको ख़त्म करने के लिए या इनको ऐसे से ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स को कवर किया जाए उनके लिए आ, उन्होंने क्या किया है कि रिडक्शन के लिए उन्होंने एक मुहिम जैसे बनाई जाती है कि कैसे उसको रिड्यूस किया जाए दिस वुड इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग इन अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग स्ट्रॉगर लीव्स एंड डैम्स टू प्रिवेंट डैम्स और स्ट्रॉर लीव्स को डेवलप uh, बिल्ड uh, कर, करने के बिल्ड किया जाए ताकि वो क्लाइमेट uh, चेंज जो भी है वो ख़त्म किया जाए द को uh, ये जो लास्ट अब हमारा लास्ट है ऑल्सो डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेम अर्बनाइज अर्बनाइजेशन अच्छे से डेवलप uh, किया जाए या सही से कंस्ट्रक्ट uh, किया जाए एंड द नीड फॉर सिटीज़ टू अडाप्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो भी नीड्स हैं क्लाइमेट चेंज को सेट करने के लिए जो इम्पेक्ट पड़ते हैं उनको सेट करने के लिए उन uh, अर्बनाइजेशन का uh, मुहिम बनाया दिस वुड इन्वॉल्व इनकॉर्पोरेशन ग्रीन हाउस स्पेसिस इंप्रोविंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए ग्रीन स्पेसिस करने के लिए ताकि uh, ये नेचुरल डिजास्टर्स की कमी की जाए एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल बिल्डिंग बिल्डिंग प्रैक्टिस जो अभी ज़्यादा से बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे तो फ्लड उस पर ज़्यादा ओवरकम नहीं हो पाएगा एट द लास्ट इन कंक्लूजन Um, सारा उसको समअप कर लेते हैं द कोव ट्वेंटी सेवन समिट प्रोवाइडेड अ रोड मे फॉर द रिकन्ट्रेशन रीहेबिलेशन ऑफ कंट्रीज इफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज सच एज़ पाकिस्तान सो कैसे हम खास तौर पर पाकिस्तान जैसी कंट्रीज जो हैं वो जो इफेक्ट हुई हैं कोव ट्वेंटी सेवन उनके लिए था ताकि उनकी रिकन्सनट्रेशन की, जा, की जाए रिकन्स्ट्रक्शन की जाए सच एज पाकिस्तान सच एज पाकिस्तान द प्रोपोज माइर्स इंक्लूडिंग दी क्रिएशन ऑफ कैसे इन चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है या ख़त्म कर दिया सकता है तो फर्स्ट जो स्टेप है वो क्लाइमेट uh, चेंज लिया गया क्लाइमेट फंड लिया गया फिर प्रोमोशन ऑफ सस्टेनेबल इनर्जी सोर्स लिया गया फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डिज़ास्टर्स रिस्क रिडक्शन लिया गया एंड द नीड ऑफ सस्टेनेबल आर्गनाइजेशन की गई तो इन मयर से जो भी क्लाइमेट चेंज के डिजास्टर्स हैं वो ख़त्म किए जा सकते हैं उसके इंपैक्ट्स भी इंपैक्ट्स भी ओवरकम किया जा सकता है और हेल्प कंट्रीज बिकम मोर रेजिलेंट रेजिलेंट टू इट्स इफेक्ट इन चीज़ों से बचने के लिए जो कंट्रीज हमारी पुअर कंट्रीज हैं वो ओवरकम कर सकती हैं इस पर थैंक यू अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हम पूछ सकते हैं